निर्वाचन आने के बाद कांग्रेस की दोनों सीटों पर हार का खतरा, कांग्रेस की खाजूवाला और अनूपगढ़ सीटों पर हार का खतरा बना हुआ है। गोविंदा की हार बचाने के लिए सीएम ने बदला अपना फैसला और खाजूवाला छतरगढ़ को वापस किया बीकानेर जिले में शामिल। लेकिन अब खाजूवाला के साथ साथ अनूपगढ़ में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि नहरी क्षेत्र की जो जनता है वह नाराज है। प्रदेश के 8 जिलों में पुनर्गठन को लेकर विरोध चल रहा है। सरकार ने सिर्फ खाजूवाला छतरगढ़ को अनूपगढ़ से वापस बीकानेर में जोड़ने का निर्णय किया। विधानसभा चुनाव का सर पर होना और कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल के दबाव में काम किया और सीएम को अपना निर्णय बदलना पड़ा। चुनाव में नतीजा क्या होगा यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इस फैसले से कांग्रेस के खिलाफ यहां विरोध हो गया है। खाजूवाला विधानसभा की सिंचाई क्षेत्र की 12 पंचायत के लोग अनूपगढ़ में जाने के समर्थक में थे। अनूपगढ़ जिले से खाजूवाला छतरगढ़ वापस बीकानेर में आने से कांग्रेस को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और कैबिनेट मंत्री गोविंद राम ने कहा कि अगर खाजूवाला और छतरगढ़ वापस बीकानेर जिले में शामिल नहीं हुआ तो वह चुनाव हार जाएंगे। गोविंद ने इसकी वजह भी बताई। इस आंदोलन से भाजपा को मेरे क्षेत्र में मेरे खिलाफ बोलने का मौका मिल गया। तभी सीएम ने उनसे कहा कि राम लुभाया, कमेटी के सामने आप अपनी बात रखें, मैं जरूर कुछ करूंगा। बीच में अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधि मंडल भी मिला। एक तरफ लोग खाजूवाला में जश्न मनाते दिखे तो दूसरी तरफ नहरी क्षेत्र का किसान भारी आक्रोश में है। किसानों ने कहा गोविंद मेघवाल की हार अब तय है, किसानों के साथ धोखा किया है जो कि किसान अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब हम कोई बड़ा निर्णय लेने आने वाले समय में कांग्रेस को प्रचार बैनर तक नहीं लगाने देंगे और उनकी हवा निकाल देंगे। आखिरकार जो किसान कह रहे हैं, मंत्री जी उन लोगों के कहने पर फैसला बदल रहे हो, आप 60,000 लोग वोट देने वाले नहीं हैं। उधर भारी संख्या में रावला घड़सान अनूपगढ़ के किसान, इन्होंने भरोसा दिलवाया कि आने वाले चुनाव में खाजूवाला अनूपगढ़ सीट पर नहरी क्षेत्र का किसान इनको वोट नहीं देगा और यह दोनों सीटें हारेंगे। उधर किसानों का कहना है कि हम कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करेंगे, मुकाबला करेंगे और नया खेल स्टार्ट करेंगे। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने खाजूवाला के साथ साथ अनूपगढ़ सीट को भी नुकसान पहुँचाया है। हम बहुत आक्रोश में हैं, आने वाला समय बताएगा किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। वंदे भारत से गोपी बेनीवाल की रिपोर्ट।